200 किलोमीटर यू निकाल के 2 किलोमीटर तो अच्छा जा। अरे रे 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 रे। और ऐसे हंसते खेलते चलो तो धूप का पता नहीं चलता। हाँ पैर जल रहा है, नीचे पापड़ भी सक सकता है, आराम से रोटी तल जाएगा। मैं जो सपना लेके आया था बहुत अच्छा लग रहा है, आंखों से आंसू आने को हो रहे हैं, पर रोंगत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं। अभी बोलूँ मोर डायलॉग यू यू 2 किलोमीटर यू 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 निकाल देंगे, 2 किलोमीटर यू निकाल देंगे। तो फाइनली रात के 9:30 पार हो चुके हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम प्रतापपुर धर्मशाला जो आज हमें जहाँ रुकना है रात को वहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो हमें निर्देश दिया गया है कि आँख बंद करके कल्याणपुर चले जाएं। चलो आँख बंद करो जल्दी, आँख बंद करके सीधा कल्याणपुर चले जाएं। सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना यार। तो आज यहाँ हमारे वाटरफ्रंट नगर में हमारी यहाँ सुप्रभात हो चुकी है, हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। बोल बार। बोल बार। बोल बार। बोल बार। आज वाटरफ्रंट नगर में हम लोग का रात्रि पड़ाव था, यहाँ से हम लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। यहाँ के जितने नागरिक हैं, जितने कर्मचारी हैं, उन सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आइए एक बार हमारे एरिया का चुटकी पानी जो मंदिर है जिसके लिए हम यात्रा कर रहे हैं। हमारी आधी टोली आगे जा चुकी है, मेरी मम्मी और बाकी हमारी दीदियों के साथ मैं जा रहा हूँ अभी। बस यार हंसते खेलते, क्योंकि सफर को यदि हमें आसान बनाना है ना तो मन में किसी तरह के गिले सुखे नहीं होने चाहिए, बस प्यार बांटते चलो। हम तो इसी उद्देश्य को लेकर आए हैं कि हम जो जिस मकसद से पैदल चल रहे हैं ना, यह हमारा मकसद सिर्फ हमारे लिए पूरा ना हो बल्कि इसका लाभ सबको मिले यार। तो गाइस हम वादत नगर में रुके हुए थे शाम को कल, और अगले पढ़ाव के लिए हम अभी निकल चुके हैं। मैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी कांवर यात्रियों की यादें संजो के बटोर की एक साथ वीडियो के रूप में YouTube पर अपलोड कर रहा हूँ, बस ये यादें बटोरने के लिए, क्योंकि हम सब जहाँ तक मुझे लगता है कि आज के दिन को कोई खोना नहीं चाहता। तो बस आज का दिन हमारा कैमरे में कैद हो, हम जिस भी तरीके से जाएँ पहुँचे, अच्छा हो बुरा हो दिन, बस वो दिन हमारे लिए हमेशा स्मरण के तौर पे कहीं ना कहीं अवेलेबल रहे या फिर व्यवस्थित रहे, सुरक्षित रहे। तो बस YouTube में वीडियोस बन रही है, उसका कोई गलत उद्देश्य मत निकालना यार प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पुनः। बस जब जब वीडियो देखो हमें याद कर लेना, कम से कम अपनी दुआ में हमें याद जरूर याद करना। और थैंक यू आपकी इसी दुआ के लिए। हम लोग वाटरफ्रंट नगर से निकल चुके हैं, अभी जिस जगह पे पहुंचे हैं यहाँ से अमीकापुर 85 किलोमीटर और दर्शा रहा है। तो यार बारिश हो रही है, हम भीग भी रहे हैं, पर उत्साह मन से मतलब उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और जहाँ तक सफ़र इसी तरीके से करना चाहिए, नहीं तो फिर सफ़र बोरिंग हो जाता है। ऐसी बारिश में पद यात्रा करने का आनंद ही अलग है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बारिश की बूंदाबांदी में हम लोग पैदल यात्रा चल रहे हैं और ऐसे गाते वापस आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यार। जब मेन पॉइंट पहुँचेंगे आप सबका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि यार इतने लंबे सफ़र के बाद हम वापस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे और 50,000 जीए के साथ एकदम हर्षोल्लास अपने मन को उत्साहित करते हुए हम आपके साथ गले मिलेंगे, दिए जलाएंगे और बस 26 तारीख का इंतजार है। यहाँ से सूरजपुर 80 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब प्रतापपुर लगभग यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हमने लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। अब थोड़ा धूप करने लगा है, पैर में थोड़ा सूजन आने लगी है, जलन सा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। भैया लोगों को पहुँचा लिया हम लोग, चलो हमारा रफ्तार बरकरार रहा। यहाँ से कितना दूर है भैया? 2 किलोमीटर जा रहे हैं। जहाँ रुकना है जगह का नाम क्या है? रेवटी ना, दिन का भोजन। तो दिन का भोजन हमारा वहीं पे होने वाला है, जगह का नाम रेवटी। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर बचा हुआ है। ये समझ लीजिए कि पीछे का कोई भी हमको याद नहीं रहा, अब सिर्फ इतना ही याद है कि 2 किलोमीटर हमको आगे जाना है। हाँ बाकी पीछे कितना रेवटी है? छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग वन परिसर रेवती, मतलब जंगल विभाग की पुलिस चौकी। यहाँ से लगभग और 500 मीटर की दूरी और हमको तय करनी है थाना चंदौरी। अच्छा सूरजपुर, चंदौरा सूरजपुर। सर रेस्ट करने के लिए व्यवस्था की गई है, यहाँ पर रुक लेते हैं। ये जगह है गुप्ता मोटर पार्ट्स रेवती।
पहुंचने से पहले ही पानी गर्म कर दिया था, तो सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो रेवती में हम लोग का दोपहर का भोजन हो रहा है। भोजन में रोटी मिली है, सलाद है, आलू है और कुछ सब्जियाँ हैं। पुनीत अग्रवाल, उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा सहयोग और हमारे सफ़र को बहुत ज़्यादा आसान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और रास्ते पर जो जो हमको हेल्प करते जा रहे हैं, चाहे भोजन के रूप में, पानी के रूप में, किसी भी रूप में, उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू। हम अभी दो चार लोग पीछे जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत वबीयत भी ख़राब हो गए और हमारी माता श्री थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर हो गई है, तो उनको छोड़ के नहीं जा सकता। कैसे हो, उम्मीद करते सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना यार। अरे जो भी भोजन के लिए व्यवस्थापक थे, जो भी यहाँ हमने हमारे लिए जगह दिया रुकने का, ठहरने का, खाने पीने का, उनको सभी से दिल से थैंक यू। दोपहर का समय है, सुनाई देगा हैप्पी, हमारे भोजन की व्यवस्था की गई है। ये जगह है प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, ग्राम पंचायत खड़गावा। छोटी सी गुड़िया हमारे लिए खाना सर्व कर रही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमारे लिए दोपहर के भोजन में पूड़ी, चटनी और सलाद वगैरह की व्यवस्था की गई। बारिश चालू हो चुकी है, ऊपर वाले का प्यार है, जब भी हम एक्सेप्ट करेंगे सबको, बहुत अच्छे लग रहे हैं बीच बीच के खाना खाने में। और क्या नाम है आपका? वैष्णवी। अच्छा, छोटी सी गुड़िया है, हमें इन्होंने खूब ज़्यादा पानी सर्व किया, खाना सब्जी सब सर्व किया। इनका नाम है वैष्णवी, है ना? पुलिस चौकी खड़गवा से निकल चुके हैं अब। दोस्ती, हर हर महादेव। यहाँ से अंबिकापुर 12 किलोमीटर दूरी पे दिखा रहे हैं। तो हम कल्याणपुर पहुँच चुके हैं। मुरारी प्रसाद जायसवाल, जो यहाँ के हमारे व्यवस्थापक रहे, बहुत ज़्यादा थैंक यू हमारे चाय नाश्ता के लिए और हमारे सफ़र को आसान बनाने के लिए थैंक यू। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, बस आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। और शाम हो गए चलते चलते और हम लोग भीग गए रास्ते में, ज़्यादा पानी आ रहा था इसलिए फ़ोन नहीं निकाल पाया, पर बहुत मज़ा आ रहा है यार रास्ते में। तो सम्मान हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इतना रिस्पेक्ट किया जाएगा। हम लकी हैं और बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं इस रिस्पेक्ट के काबिल बन पाए। और कसम से यार, मेरे अंदर से क्या बोलते हैं, भावुक हो गया हूँ, शायद आंसू निकल जाए, क्योंकि इतना रिस्पेक्ट मैंने अब तक नहीं देखा था, कहीं नहीं देखा था। कैसे लग रहा है? मेरा पैर कौन दबा रहा है फिर? मेरा पैर कोई नहीं दबा दे रहा है, मैं बहुत नाराज हूँ। हाँ साहब, अच्छा आ रहे हैं। अरे अरे, तो सो हे गाइस, कांवड़ यात्रा करके मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ यार, क्योंकि जहाँ मैं रुका हूँ, ये जगह कौन सा है? सकालो। यहाँ इतना प्यार लोगों का, जितने मेरे भाई बंधु है, मतलब मेरे एज के, मेरे से छोटे, कसम से मेरे को रोना आ गया था जब छोटे छोटे बच्चे लोग, मतलब बाबू लोग आके हम लोग का पैर पोछ रहे हैं। यार इतना प्यार मैं शायद लाइफ में कभी पा भी नहीं सकता। और बस यार, यहाँ के दिल खुश हो गया, मैं खुद को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार मानता हूँ कि मैं इस यात्रा के लायक बन पाया। इस यात्रा में आके ऐसा लग रहा है कि मेरे भाग खुल गए और बस यार, बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानता हूँ, सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू। और यहाँ आते ही मुझे और एक चीज़ बोनस पॉइंट मिल गई कि यार मिलो आप इनसे, हाय बोल दो। तो सब YouTube से इतना ज़्यादा इंस्पायर हैं कि मैं
इनको थोड़ा सा स्पीच दे पा रहा हूँ यार। मैं लकी हूँ, मैं तो सपना ही लेके यही आया था कि यूट्यूब में कि लोग सीखें। हर किसी के अंदर यूट्यूब का कीड़ा है, कोई बोल नहीं पाता। मैं भी लोगों के ताने सह के यूट्यूब में आया हूँ और आप सब जानते हो भली भांति कि मैं किस जगह से किस चीज़ से लड़के यूट्यूब में आया हूँ। तो ये सब भी करना चाहते हैं यूट्यूब यार, इनको जरूर सपोर्ट करना। जिस किसी भी चैनल के नाम से आते हैं यूट्यूब पर, मैं जब इनसे मिलूंगा मेरे वीडियो से इनका क्या बोलते मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका भली भांति परिचय करा दूंगा। और जितने स्पीड बोल सकते अपना अपना नाम बोलो फटाफट। हम सफर कर रहे हैं, हम जगह जगह रुक रहे हैं, चाय नाश्ता की व्यवस्था किया जा रहा है, पर जो व्यवस्था करते हैं असल में उनके पीछे हाथ इनका रहता है। तो बहुत ज्यादा धन्यवाद आपको। और यार बस यार प्यार देना जैसे अब तक मिला है। और आप सभी भाइयों को बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि यार मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शूट करना मेरा काम है, पर उसे देखना, लोगों तक पहुंचाना और उसमें जो प्यार मिलता है ना, जो कि मुझे चाहिए, जिसके लिए मैंने सपना देखा है, वो सब आप दोस्तों के, आप भाइयों के हाथ में है। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू, फिर से एक बार बोलता हूँ आपको दिल से थैंक यू, ऐसे प्यार देते रहिएगा और लव यू भाई लोग। सब्सक्राइब करने बोल रहे थे भाई, तो सब्सक्राइब कमेंट सब करो, एकदम लाइक को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, इसी वीडियो को वायरल कर दो। हां एकदम वायरल। बस यार मैं जो सपना लेके आया था बहुत अच्छा लग रहा है, आंखों से आंसू आने को हो रहे हैं, पर रोंगत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग मुझे देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मेरा काम भले सही रहे गलत रहे, किसी अगले को हर्ट नहीं करना चाहिए, और मैं खुश नसीब मानता हूँ कि मेरा काम पसंद आ रहा है ना। क्या यही तो दिन देखना था मुझे यूट्यूब में आके। हाय भाई, हाय दोस्त, लव यू भाई लोग, ऐसे प्यार देते रहने और लकी हो कि आप सब मुझे प्यार देते रहने, फुल सपोर्ट। लव यू भाई लोग, थैंक यू सो मच। हम लोग का रात का भोजन हो रहा है, हम लोग सकाल रुके हैं और सुर से आके अभी तक कसम से ऐसे लग रहा है कि अभी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इतना प्यार है लोगों का, इतना रिस्पांस मैंने कभी शायद लाइफ में नसीब भी नहीं कर पाता, यदि मैं इस जगह नहीं आ पाता तो।